नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश संधू आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि HPU LLB फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरने हैं। मुझे पता है कि कुछ स्टूडेंट्स ने अपने फॉर्म भर दिए होंगे, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को अभी तक दिक्कत आ रही है फॉर्म भरने में, कि फॉर्म कैसे भरना है और फॉर्म भरने के बाद उनको कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो अपने डिपार्टमेंट में सबमिट करवाने हैं, क्या बाय पोस्ट कर सकते हैं या फिर उनको खुद जाना पड़ेगा। ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपने अपना फॉर्म भर दिया है तो आप इस वीडियो को यहीं छोड़ सकते हैं, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक वेबसाइट ओपन करनी है, pgexam.hpushimla.in। इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपको जो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन दिया है, क्लिक हेयर टू अप्लाई फर्स्ट सेमेस्टर फ्रेश फॉर रेगुलर और प्राइवेट कैंडिडेट, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक नया पेज आपके पास खुल जाएगा। यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिए हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आपको पहला ऑप्शन चूज़ करना है। अगर आप किसी कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं, आप वहाँ से लॉ कर रहे हैं, तो आपको थर्ड ऑप्शन चूज़ करना है। यहाँ पे आपको अपनी यूज़र आईडी पासवर्ड भरने हैं, आपको अपनी आईडी लॉगिन करनी है। यहाँ पे मैंने आईडी लॉगिन की है, ये आप ही के ही क्लासमेट की आईडी है। सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन आता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, तो यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरनी है। अगर हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आपको एड्रेस वगैरह भरने को मिलता है। उसके बाद अगर हम और नीचे जाएंगे तो उसके बाद आपको बोनाफाइड वगैरह क्लिक करने हैं, अगर हैं ठीक है, नहीं है तो नो करना है। फिर आपको डूइंग डबल मास्टर्स यहाँ पे आपको नो करना है, अगर आप नहीं कर रहे हैं। अगर आप कर रहे हैं तो आप यहाँ भी यस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट में हमारे पास आता है अपलोड डॉक्यूमेंट्स। आपको यहाँ पे सिर्फ दो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, एक आपका फोटोग्राफ और दूसरा आपका सिग्नेचर। थर्ड में हमारे पास ऑप्शन आता है एग्ज़ाम डिटेल्स का, यहाँ पर आपको अपनी एग्ज़ाम डिटेल्स भरनी है। सेंटर आपका HPU रहेगा, एग्ज़ाम ये 2020 है, मंथ जो है वो नवंबर ही रहेगा और जो सेमेस्टर है फर्स्ट सेमेस्टर है। अब आप जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिया होगा HPU कॉलेज रजिस्ट्रेशन नंबर, मतलब कि अगर आपकी ग्रेजुएशन HPU के किसी भी कॉलेज से है तो जो आपका वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो आपको यहाँ पे भरना है। लेकिन अगर आपकी ग्रेजुएशन HPU के अलावा किसी और कॉलेज से है, किसी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी से है, तब आपको यहाँ पर नहीं भरना है, तब ये ऑप्शन आपके लिए नहीं ओपन होगा। उसके बाद आपको जो लास्ट एग्ज़ाम डिटेल्स हैं वो सारी यहाँ पर आपको भरनी है। सब्जेक्ट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास जो सब्जेक्ट की लिस्ट है, जो पांच सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर होते हैं, उनकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। आपको दोनों चीज़ें यहाँ देखनी पड़ेगी, चाहे वो सब्जेक्ट कोड है चाहे वो सब्जेक्ट नेम है, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर जब आप एग्ज़ाम देने बैठेंगे तब वहाँ पर आपको दोनों चीज़ें फिलअप करनी पड़ती हैं, चाहे वो सब्जेक्ट कोड हो या फिर सब्जेक्ट नेम हो। मैं एक और वीडियो बनाऊँगा इन सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड, जब भी आपके एग्ज़ाम होंगे कि किस यूनिट से कौन कौन से जो क्वेश्चन हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, कौन नहीं है, कैसे अपना एग्ज़ाम देना है, मैं ये सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा उन वीडियोस के अंदर। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं ऐसे वीडियोस बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं वैसे वीडियो आने वाले समय के अंदर बनाऊँगा। यहाँ पर आपके पास एप्लीकेशन समरी आ जाएगी पूरा भरने के बाद। अगर आपसे कोई गलती हुई है फॉर्म भरने में तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर देख के। उसके बाद आपको पेमेंट करनी है, अगर आपको पेमेंट करने के लिए बोला गया है। और लास्ट में आपके पास ऑप्शन आता है सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म, अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो प्रिंट निकालना है। अब लास्ट में हमारे पास एक क्वेश्चन बचता है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ लॉ में भेजने हैं। आपको दो फॉर्म डिपार्टमेंट ऑफ लॉ में भेजने हैं, आप बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं या फिर आप खुद भी वहाँ पर सबमिट करवा सकते हैं। पहला डॉक्यूमेंट आता है जो आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसकी आपको हार्ड कॉपी निकालनी है। और दूसरा जो है वो जो आपकी DMC है ग्रेजुएशन की, जिसके अंदर आपके 6 सेमेस्टर के मार्क्स की डिटेल होती है, वो आपको भेजनी है। उसकी आपको फोटोकॉपी भेजनी है, ओरिजिनल नहीं भेजनी है, आपको उसकी फोटोकॉपी भेजनी है डिपार्टमेंट में। डिपार्टमेंट का एड्रेस क्या है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको उसके ऊपर या तो आप पोस्ट कर सकते हैं या फिर आप खुद भी यूनिवर्सिटी में जाके फॉर्म को सबमिट करवा सकते हैं। तो ये था इस वीडियो के अंदर। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ छोड़ दिया है इस वीडियो के अंदर, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, या फिर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो यही था इस वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है या फिर कोई सुझाव है मेरे लिए, तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं।
चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।